What's up guys, this is Yog Ratham and welcome back to another exciting episode of Viber and Tell. Guys, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज हम कवर करने जा रहे हैं कि वेट लॉस के टाइम और वेट लॉस करने के बाद आपको कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम आती है. कुछ लोगों को ये पहले समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को रिजल्ट पाने के बाद में समझ में आता है. तो गाइज, जो लोग एक्सेस वेट हैं, ओवर वेट हैं, जिनका वेट काफ़ी भारी है, कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई शेड्यूल आप फॉलो कर रहे होंगे, आप जिम जा रहे होंगे, आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आप डाइटिंग कर रहे होंगे. तो गाइस, तीन चीज़ें हैं. पहली बार जो ओवर वेटेड लोग हैं वो तीन चीज़ें पहले करते हैं. पहले ट्राई करते हैं अपनी डाइट पे कंट्रोल करने की, दूसरा जिम जाने की कोशिश करते हैं, तीसरा कुछ लोग रनिंग शुरू करते हैं. तो गाइस, सबसे ज़्यादा प्राइमरी फोकस उनका रहता है कि अपने डाइट को कंट्रोल करें, क्योंकि आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, आप कितना भी वर्कआउट कर लें, कितना भी कैलोरीज बर्न कर लें, आपका वेट लॉस बिल्कुल भी होने वाला नहीं है. अब आते हैं एक डेफिसिट डाइट. डेफिसिट डाइट मतलब आपकी बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हो, ऐसी आप डाइट इनटेक करिए. अब जो लोग डाइटिंग करते हैं उनको दिक्कतें कहाँ आती है. नंबर वन, रिंकल्स आना शुरू होता है आंखों के नीचे, माथे पे, फोरहेड पे. दूसरा, डार्क सर्कल्स होना, उनके फेस पर डार्क सर्कल होने शुरू हो जाते हैं. तीसरा, सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो कि लड़कियों में काफ़ी पाया गया है डाइटिंग के टाइम, वो है हेयर फॉल होना. तो गाइज, ये चीज़ें क्यों होती हैं, इसी को आज हम आपको बताने जा रहे हैं. तो गाइज, ये तीनों चीज़ें होती क्यों हैं जब भी हम डाइटिंग करते हैं. तो गाइज, पहली बात, आप कोई भी आप डाइट चार्ट, डाइट शेड्यूल फॉलो करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होना बहुत ही ज़रूरी है. पर 99% केसेस में देखा गया है लोग खाना छोड़ देते हैं, केवल जूस और केवल फ्रूट्स पे रह जाते हैं. अदनान स्वामी ने 150 किलो 100 किलो वजन कम के लिए केवल जूस पे था. गाइस, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर है तो उसके पीछे प्रोफेशनल डाइट चार्ट, प्रोफेशनल ट्रेनर, प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी रहे होंगे जो उनकी निगरानी में करते हैं. हमारे पास ऐसा कोई भी रिसोर्स, ऐसा कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है, क्योंकि हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते. तो आपको छोटे बजट में ही आपको रिजल्ट चाहिए, उस पर आपको मेन टारगेट रहना चाहिए. तो इन चीज़ों को दूर मैं कैसे कराऊँ या आप कैसे करें. तो गाइस, अपने डेली मील में ऐसा चीज़ें इंक्लूड कर जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्ब्स, प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैलोरीज, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन और प्रॉपर अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट इंक्लूड हो. बिल्कुल फ्रूट्स, बिल्कुल जूस पे मत रहिए, जूस लीजिए, फ्रूट्स खाइए, लेकिन किसी एक पे डिपेंडेंट मत रहिए कि तुम खाना ही नहीं है, सब कुछ मैं छोड़ दे रहा हूँ, केवल फ्रूट्स प्यास से रहूँगा. उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको आगे जाके बीमारियाँ, डिजीज देंगे, एज अ हेयर फॉल, एज अ डार्क सर्कल्स, एज अ रिंकल. सो गाइज, डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक आपके लिए डिज़ाइन किया है डाइट चार्ट, जिसमें प्रॉपर अमाउंट न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड है, आपको दिन भर में कितनी कैलोरीज लेनी है, कितना प्रोटीन आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट है, कितना आपको ज़रूरत है, वो चीज़ें पूरी हैं. आपको कहीं भी मार्केट में नहीं जाना है, चीज़ें खरीदने के लिए बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल है, आपके घर पर ही आप बना सकते हैं, खा सकते हैं और रिजल्ट भी पा सकते हैं. और दूसरी बात, यूट्यूब पर ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ पड़े हैं ऑलरेडी, आप उसको देख कर सीखते हैं, करते हैं, शुरू कर देते हैं घर पे. पर गाइस, मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे हर वीडियोस पे ब्लाइंडली फॉलो करना बिल्कुल मत शुरू करिए. कोई भी चीज़ें देख के आप अपने आप अप्लाई कर लेते हैं, इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को सूट वो चीज़ें नहीं करती हैं. ज़रूरी नहीं है जो उनको सूट करे वो हमें सूट करे, जो हमें सूट करे वो आपको सूट करे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. सबकी बॉडी डिफरेंट बनी है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, सबकी हाइट, सबका वेट, सबका न्यूट्रिशन वैल्यू, सबका स्टेमिना अलग है. तो इसलिए जो चीज़ें हमको सूट करते हैं वही फॉलो करिए. अब मैंने डाइट चार्ट शेड्यूल किया है आपके लिए, आप बिल्कुल एक मंथ तक उस पर स्टिक रहिए. अगर अगले मंथ आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे या मेरा मेल आईडी पे या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपका फिर से डाइट रीडिज़ाइन करूँगा, रीमॉड्यूल करके आपको मैं मेल करूँगा, ताकि आपको रिजल्ट्स मिल सके. तो गाइज़, ये था मेरा वीडियो डाइट के टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आती है. अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ टैप द बेल आइकन सो दैट यू ऑलवेज अपडेटेड विद माय लेटेस्ट वीडियोस. दिस इज योग रत्नम साइनिंग यू ऑफ.